सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी चैनल ते मैं हाँ आंचल चड्डा। जलंधर शहर दे विच जिहड़ी एग्जीबिशन लगी है, एग्जीबिशन जिहड़ी है हरेक भारत दे कोने तो जिहड़े ने उत्थे लोग आंदे ने अपना समान वेचन, अलग अलग वैरायटी सानू इक्को ही छत थले मिल जाती है। असीं इत्थे इहनां नाल गलबात करांगे, दुकानदारां नाल भी गलबात करन दी कोशिश करांगे ते कस्टमर्स नाल भी गल करांगे कि उहनां नूं एग्जीबिशन दा एक्सपीरियंस किस तरह दा लगा, पंजाब दे विच उहनां दा एक्सपीरियंस किस तरह दा रिहा एग्जीबिशन नूं लै के। आ जाओ गलबात करते हैं। की नाम है तुहाडा? साहिल। साहिल जी, तुसीं कित्थों आए हो? बनारस आए मैम जी। मैं अपना साड़ी लाया है बनारस सिल्क मैम, इसको जंगला डिज़ाइन बोलते हैं बनारस का। ये तैयार होती है मैडम जी 1.5 महीने के अंदर, एक साड़ी तैयार होता है। ये इसका काम पूरा बहुत बारीकी होता है, इसको बनाने में रात और दिन लगता है मैडम, ज़्यादा करके रात और दिन मिला के 1.5 महीने के अंदर एक साड़ी तैयार होता है। ये प्योर सिल्क का, इसका रेंज होता है 25,000 मैम। इसका रेंज बंदिश जॉर्जेट मैम, बनारसी हैंडलूम खड्डी का मैम, विविंग वार्स होता है सब, ये भी सब हैंडलूम विविंग का होता है। इसको भी तैयार करने में मैडम 15-16 दिन लगता है। ये इसका दुपट्टा, इसका रेंज है मैम 9,500 का मैम। इसका रेंज कस्टमर्स का रिस्पॉन्स किस तरह का आ रहा है? कस्टमर रेंज अभी तो मैम, कल तो बहुत रस्ता मैम, बहुत हद से ज़्यादा रस्ता है यहाँ पे। अगर तो उसी तरह आज भी रहता तो बहुत मजा आती सेल करने में मैम। अच्छा था कल सबका, हर स्टॉल का काम भी अच्छा हुआ, उसी तरह आज नहीं बकी है। उसी तरह होता तो मैम बहुत मजा आता सेल करने में। वैराइटीज दिखाई हो और स्पेशलिटी के लिए लेके आए हो बनारस की? बनारस का मैं ज़्यादा कह मैम साड़ी लाए हैं, सूट लाए हैं और फैब्रिक लाए हैं प्योर सिल्क का। मेरे पास जितना भी होगा सब प्योर सिल्क पे ही मिलेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा। साढ़े जोड़े जलंधर वासी ने उन्होंने मतलब की ज़्यादा पसंद किया गया, साड़ी सूट दुपट्टा? जलंधर वास्ते सूट ज़्यादा यहाँ पे लोग कहें कि पंजाब में ज़्यादा करके सूट ही चलता है मैम। हम लोग हर स्टेट घूमते हैं, बाकी पंजाब में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सूट ही इस्तेमाल होता है, साड़ी बहुत कम इस्तेमाल होता है। इसीलिए सूट का वैरायटी मेरे पास बहुत सारा मिलेगा आपको। अगर तो कस्टमर आए आगे से सूट का वैरायटी देखे बनारसी में तो बहुत मेरे पास मिलेगा, एक से एक वैरायटी का। इतना तुसी क्या तुसी पूरे भारत दे विच घूम चुके हो, सब तो वधिया एक्सपीरियंस कित्थे दा रिहा एग्जीबिशन? पंजाबी में मिलता है मैम, सबसे ज़्यादा पंजाब में। पंजाबियों ने दिल खुश करता जी जी जी। हर स्टेट से हमें सबसे ज़्यादा पंजाब में अच्छा लगता है, हर स्टेट से अच्छा। राशिद जी, तुसी किस तरह की जिहड़ी है वैरायटी आइटम लेके आए हो जलंधर वास्ते? ये हम वैरायटी हैंडीक्राफ्ट का है सब माल, ये खुद मैन्युफैक्चरिंग होता है हमारा। इसमें 2000 से लेकर 3000 चार गाउन है, शर्क है और ये ड्रेस है, लॉन्ग कुशन कवर हैं और ये कोस्टर हैं। तुसी कितनी देर लग जाती है एक जिस तरह चीज़ है जिस तरह बहुत मतलब छोटी जी है, कितनी देर लग जाती है बनाने लिए? ये इसमें लगभग 2 दिन लगता है, एक एक दाना लगाया जाता है, इसमें लगते हैं 8 दिन, एक हफ्ता पूरा। जलंधर के जो कस्टमर्स ने तुम्हें किस तरह रिस्पॉन्स मिल रहा है एग्जीबिशन के? अच्छा मिल रहा है, अच्छा मिला है। और कितने कितने तुम एग्जीबिशन लेके जाते हो अपनी जोड़ा स्टॉल है कितने कितने लगाते हो? हम अपना यहाँ लगाते हैं, लुधियाना लगाते हैं, चंडीगढ़ है और गुवाहाटी है और उसका नाम क्या कलकत्ता है, हर कहीं लगाते हैं हमने हैंडीक्राफ्ट का आर्ट। सब तो वैसे एक्सपीरियंस कितने रहा? यहाँ सही रहा पंजाब जो विच एक्सपीरियंस, हमारा आइटम ज़्यादा चलता है, ये हमारा ड्रेस है जी है, ये पंजाब साइड ज़्यादा चलती है। पंजाब के कस्टमर सब तो ज़्यादा की चीज़ पसंद करते हैं? ज़्यादा पंजाब के कस्टमर ड्रेस ये चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं, गाउन से शर्ट। पंजाब कह रहे हो, पंजाब की कौन सी खूबी तुम्हें पसंद आई? मुझे तो जैसे सेल करने में कस्टमर सबसे अच्छा है पंजाब में, और सब स्टेट से अच्छा तो मुझे पंजाबी में कस्टमर क्या बोलते हैं पंजाबी बहुत अच्छा सबसे ज़्यादा मुझे यही अच्छा लगता है। इसीलिए साल का हम आपको 6-7 महीने ही पंजाबी में मिलेंगे, हर स्टेट में जैसे चंडीगढ़ हो गया, लुधियाना हो गया, जलंधर हो गया, पटियाला, बठिंडा तक से भी हम लोग को सौदा कर पंजाब में सबसे अच्छा लगता है। पंजाबियों ने ताड़ा दिल मतलब बढ़िया लग जाता है पंजाबी इसीलिए हम लोग ज़्यादा कर पंजाबी में घूमते हैं। क्या नाम है आपका? आबिद है मेरा नाम। सर तुसी कश्मीर तो आए हो? हाँ जी, कश्मीर से आए। की वैरायटी स्पेशल केड़ी लेके आए हो साडे लिए? हमारे ये लाए हैं ड्राई फ्रूट्स लाए हैं, वे अखरोट लाए हैं और ये खुबानियाँ लाए हैं और हमारे पास ये गिरी है वो उसको बोलते हैं किशमिश लाया है और ये शिलाजीत लाया है। हाँ जी।
और स्पेशल हमारे ये है केसर लाया है, सैफरान है, ये देख लीजिए आप। बार बार जिक्र किया जाता है केसर का, कश्मीरी केसर का, कि बहुत ज़्यादा फेमस होता है और बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी मिलता है केसर के नाल। की स्पेशल इस विच की खासियत होती है इस चीज़ की? ये दूध में डालना होता है, ये सेहत के लिए अच्छा होता है, अगर किसी को खांसी होता है या कुछ होता है तो इससे दूर हो जाता है वो। ये बहुत होता है, स्पेशल होता है जिस्म के लिए। की नाम है सर? मेरा नाम भूपिंदर कुमार। भूपिंदर जी कितों आए हो तुसी? ये जिन्ना भी प्रोडक्ट है तुसी देख सकते हो, ये सारा वेस्ट बंगाल कलकत्ता, तो इनू जिन्ना भी हो सकता आप अपने हाथों तैयार करी दें। कच्चा मटीरियल कलकत्ते तो मंगाने, तो साड़ी जड़ी NIC की एक ग्रुप हैगा जिद सारे महल जिन्हें बेरोजगार लेडिया है उन्होंने जोड़ के आप प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो जिन्हें भी गवर्नमेंट फेयर होंगे सके, अच्कल कोरोना काल के बाद पहला इवेंट है तो असं ये पार्टीसपेट किया है, तो लोगों का बड़ा वधिया रिस्पोंस आ रहा है, तो आप कोशिश है कि लोगों लिए होर वधिया करिए। बहुत वधिया जिहड़ा तुसीं काम कर रहे हो कि जो बेरोजगार लेडीज़ ने उन्होंने तुसीं रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हो। देखो जी, रोज़गार असीं तां देण वाले कौन होंदे आ, एक जरिया हैगा कि इंसान एक दूजे इंसान नाल जुड़ के तो हैल्पफुल लोगों की हैल्प हो जाए तो बहुत वड्डी गल है। असं तो यही सोच के जी रहे हैं कि भी लोगों नाल जुड़ के लोगों की हैल्प हो जाए तो उन्होंने रुजगार मिले। वैसट बंगाल तो आए हो? नहीं, मैं बेसिकली चंडीगढ़ तो, मैं ये वास्ते 6 महीने ट्रेनिंग ली थी वैसट बंगाल साइंस सिटी, तो उसके बाद मैं मैनू एक्चुअली फुल ना दिल तो प्यार है बेजुबान, लेकिन इन्हें प्यार ऑटोमैटिकली अखा तो फीलिंग का बड़ा अटैच है अपना। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੱਕੀ ਛੱਲੀ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਪੇੜ ਹੁੰਦਾ ਸੋਲਿਟਰੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੇੜ ਵੀ ਚੱਕ ਲਓਗੇ ਤਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹਦੇ ਛਿਲਕੇ ਰਫ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕਲਰ ਬਣੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ? ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੀਡ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੀਚੇ ਲੇਡੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੀਡ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਹਨਤ, ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 8 ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਗਏ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਲਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਸੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਢਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਢਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੂਟਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਟਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਇਕਬਾਲ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੀ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਥਾ ਵੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਹੈ, ਵੀ ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵੋ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੋ ਹਮੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਆ ਥਾ। ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਉਤਨਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਫਟੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ, ਸ਼ਾਲ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? हम कश्मीर की अच्छी वैरायटी लाई है जो वहाँ की फेमस है, सोजनी वर्क में है, आरी वर्क में है, सूट्स लाए हैं, शॉल्स लाए हैं, लेकिन उतना रेस्पॉन्स यहाँ नहीं मिला। यहाँ के कस्टमर सस्ता चाहते हैं, तो हमारी जो हैंडीक्राफ्ट के आइटम है उसका ऑब्वियसली उसका प्राइस अप होता है, तो लोग यहाँ वो लेना पसंद नहीं करते, यहाँ सस्ते वाले रिकमेंड करते हैं जो हमारे पास नहीं है। यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं, जो यहाँ पे आते हैं, वो कस्टमर नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप लोग आ जाओ यहाँ पे, हमारे पास बहुत अच्छी वैरायटी है और हमारे पास प्योर पश्मीना भी हैं। जो हमारे पास स्टार्टिंग प्राइस हैं शॉल्स की, वो हैं 2000 रुपीज़ शॉल्स की, और हमारे पास 80,000 का भी शॉल है, 90,000 का भी शॉल है। आप लोग आइए एक बार, देखिए हमारे पास आप वैरायटी हमारे पास बहुत स्पेशल है। आप डिस्प्ले भी चेक कर सकते हैं, ये सूट्स की वैरायटी है, आप डिस्प्ले चेक कीजिए। वो जामावर उधर लगा हुआ है एक, वो चेक कीजिए आप, वो उस साइड में लगा हुआ है, लास्ट में कोने में लगा हुआ है जामावर एक, वो पश्मीने का जामावर है, वो देखिए आप। यस यस, मल्टी शेड में जो है, तो ऐसी वैरायटी हमारे पास बहुत सारी हैं। अगर आप लोग आना चाहेंगे तो हमारे पास आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पर मिलेगी आपको। हर कोई आइटम है हमारे पास, सूट, शॉल, स्टोल्स, पंचू, कुर्तीज़, टॉप, कॉटन टॉप्स, वुलन टॉप्स, वुलन के सूट्स, जैकेट्स, कढ़ाई वाले जैकेट्स, जैसे ये हैं ये जैकेट्स, और एक हमारे पास लेटेस्ट आइटम है जैकेट में, जो यहाँ पे अभी लगभग स्पेशल बनाया है हमने, डिफरेंट बनाया है, अनकॉमन बनाया है,
ये चीज़ें आप ले सकते हैं हमारे पास डिफरेंट। और मैम हम दिल्ली से आए हैं, माल हमारा सारा मैम गुजरात और त्रिशूर केरला का है। हमारे पास लगभग 30 से 35 वैरायटी होती है मैम नमकीन्स की, और ऑल ओवर इंडिया हमारी एग्जीबिशन लगती रहती है। हम सारे यहाँ तो माल आप देख ही सकते हैं, और ये होममेड होता है हमारा सब कुछ, मसाले हमारा सब कुछ होममेड होता है। हमारी क्वालिटी ये है कि आपको ऑयल नहीं मिलेगा बिल्कुल भी किसी भी नमकीन में, क्वालिटी वाइज ना स्मेल आएगी। और ये जैसे ये हमारी स्पेशल वैरायटी होती है ये सोया के चिप्स और मैम रागी चिप्स, ठीक है, रागी चिप्स मैम ख़त्म हो चुके हैं, बनाना चिप्स भी ख़त्म हो चुके हैं, रागी के चिप्स बचे हैं। आउटसाइड मैम आपको ये राइस और मैदा में मिलेंगे, यहाँ पे हमारे पास मैम सोया में मिलेंगे ये, और हेल्दी होती है मैम सोया जैसे, वो पता ही आपको। तो ये हमारी स्पेशल क्वालिटी है, नमकीन मिल जाएगी आपको हर वैरायटी की, और ऑयल नहीं मिलेगा ना स्मेल आएगी आपको मैम कभी भी। इस तरह तुसी कह रहे हो कि तुसी गुजरात ते केरला दा सामान लेके आंदे हो ज़्यादातर, तो तुसी उन्हें दिल्ली दे विच बनांदे हो या फिर उत्थों लेके आंदे हो? मैम हमारे वेयर हाउसेज हैं हर जगह, जैसे चंडीगढ़ में वेयर हाउस है, अहमदाबाद में वेयर हाउस है, केरला में वेयर हाउस है, तो वहीं पर मैम होती है और फिर ट्रांसपोर्ट के जरिए माल आता है। गुड़गांव आते हाँ जी, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੈਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕੋਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੋਕਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ 1600 ਸੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਹਰ ਕੱਪੜੇ, 1600 ਸੇ 2000 ਕਾ ਹੈ, 3000 ਕਾ, 4000, 10000 ਕਾ, 12000 ਤੱਕ ਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਭੀ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, और ये तो पहली बार आया, चंडीगढ़ हिंडीगढ़ ये सब जाता था, बेंगलोर जी। इतने कस्टमर्स का रिस्पांस किस तरह था? ठीक ठाक है, लोग अच्छे हैं, यहाँ के बढ़िया है, आ रहे हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा रेंज का कपड़ा इतने नहीं चाह रहे हैं। मेरा नाम उरूज है, उरूज उरूज क्रिएशन हमारा फर्म का नाम है, और हमारे पास मुख्तलिफ वैरायटी है, दुबई की है और अपने इंडियन वैरायटी भी है, इसमें आपके सूट्स हैं हमारे पास अच्छी वैरायटी है, और ये आपको यहाँ जलंधर में कहीं और मिलेंगे नहीं। आउटलेट हमारा दिल्ली है, लेकिन हम यहाँ आते रहते हैं, साल में एक दफ़ा आते हैं, और अभी भी आए हैं, अच्छा काम हुआ है, अच्छा क्लाइंट है। मोहम्मद जी तुसी कितों आए हो, कहाँ से आए हो? कोटा राजस्थान जी। राजस्थान की केड़ी वैरायटी लेके आए हो साडे जलंधर वासियों लई? ये कोटा डोरिया सूट और इन साड़ी जी। कस्टमर्स किस तरह के आ रहे हैं, रिस्पॉन्स किस तरह का? नहीं बहुत कम चल रहा है, कस्टमर बहुत कम आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਰਾਇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਲਈ? ਓਰੀਜਨਲ ਸਾੜੀ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ, ਓਰੀਜਨਲ ਪਿਓਰ ਜਰੀ ਕੀ, ਯੇ ਓਰੀਜਨਲ ਜਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਓਰੀਜਨਲ ਗੋਲਡ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਸਰ, ਪਿਓਰ ਜਰੀ। ਯੇ ਸਾੜੀ ਹੈ 16000 ਕੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ? ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਸਭੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਰੇਂਜ ਕੇ ਹੈ, 1500, 2000, 3000, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਵੈਰਾਇਟੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਕਰਮ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਰਾਜਸਥਾਨ। देख रहे हो कि स्टॉल दे विच खाकरा पे खाकरा ते गुजरात दी डिश, ये डिश गुजरात की है, बना हुआ राजस्थान में, अब राजस्थान में बनने लग गया जी। राजस्थान की स्पेशल वैरायटी लेके आए हो तो सुन, गुजरात भी है, स्वीट में चटनियां भी है, जैसे मैंगो होगी, मिक्स ड्राई फ्रूट होगी, नींबू आंवला की चटनी होगी, अचार भी सारे मिल जाएंगे, जैसे लसूड़े का है, लहसुन का है, जैसे लसूड़े का ये यूनिक है, यहाँ पे नहीं मिलता ये। हां सर, क्या नाम है आपका? माय नेम इज रफीक अहमद। रफीक जी तुसी कित्थों आए हो? आगरा जी। ये जो आप देख रहे हैं तुसी किस तरह तैयार करते हो? ये हम लोग हाथ से तैयार करते हैं, हैंडमेड है पूरा, पत्थर की कढ़ाई करते हो? पत्थर पर हैमर बाय चिजल, हैमर होता है ना, हैमर बाय चिजल, उससे हम लोग बनाते हैं इसको। एक पीस को बनने में करीबन 8 डेज लग जाता है, 8 दिन लगता है। जिस तरह तुसी मेहनत करते हो कि थोड़ी मेहनत का मूल पै जाता है? इधर तो कोई रिस्पॉन्स नहीं, नहीं बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं इधर हम जी। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਡਮ ਆਪਣਾ ਲੋਕਲ ਸਟੋਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈਡ ਫੋਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੋਨ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਵਾ ਕਟਰ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਕਟਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਤਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਰਡ ਵਾਲਾ ਸਟੋਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਬਣਾ ਦੇਤੇ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਸੇ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵਰਕ ਹੈ ਇਹ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੋਰਨਰ ਲੋਕ ਆਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਸਕੋ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਆਗਰਾ ਕਾ ਲੋਕਲ ਵਰਕ ਹੈ। तो हमारा काम है होलसेलिंग का, शॉल वगैरह जो फेरी वाले वगैरह आते हैं उनका होलसेल करते हैं, तो हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है श्रीनगर में, खुद बनाते हैं खुद बेचते हैं। एक
एक प्रोडक्ट नो तैयार करने लिए कितनी देर लग जाती है तुम्हें, कितना टाइम लगता है? ये तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। जैसे है शॉल में प्लेन अगर शॉल ले लोगे उसमें 2 दिन के करीब लगता है। अगर उस पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो वो 1 महीना भी खा सकता है, 1 साल भी खा सकता है। अगर जैसे जामा है उसमें 2 साल भी लगते हैं एक शॉल में बनाने में। एक शॉल ने बनाने लिए कितने कारीगर लगते हैं? एक शॉल में डिपेंड करता है, अगर लेडीज लोग लेते हैं शॉल बनाने के लिए तो वो 10 लेडीज भी इकट्ठे काम करते हैं। ये डिपेंड करता है कढ़ाई पे। जिस तरह पर देखा कि कोविड का टाइम चल रहा था उस पे लिए किस तरह मैनेज किया? उस टाइम तो बहुत नुकसान हुआ हमारा भी, तो उस टाइम तो यहाँ पे भी मतलब हमारा बिजनेस भी पूरा ठप था, तो कश्मीर में भी हमारा बिजनेस पूरा ठप ही था। ना यहाँ पे बेच रहे थे और ना ही वहाँ पे बना रहे थे जी। और कितनी कितनी एग्जीबिशन में आप जा चुके हो? पंजाब से बाहर कहाँ कहाँ जाते हो? दिल्ली जाते हैं हम, वो नागालैंड में गए हैं हम, चंडीगढ़ ही होते हैं ज़्यादा। चंडीगढ़ में कलाग्राम वगैरह, ट्रेड फेयर, दिल्ली हट वगैरह लगाते हैं। तो वधिया एक्सपीरियंस कितने दा रहा? एक्सपीरियंस कहाँ का अच्छा रहा? दिल्ली का भी है, चंडीगढ़ का भी है, और यहाँ का तो अभी चलो देखते हैं कैसा रहेगा, अभी तो पूरा नहीं देखा यहाँ पर। वैरायटी के लिए स्पेशल लग के आए हो तो फिर कश्मीर दी? पश्मीना है हमारे पास और सूट्स है हैंड एम्ब्रॉयडरी के, सब कुछ है, स्टोल्स वगैरह भी है, फिरन है कश्मीरी ट्रेडिशनल। तुसी एग्जीबिशन ते आए हो, एग्जीबिशन तुसी देखी, तुहानू केड़ी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी? फैब्रिक बहुत अच्छा है और रीजनेबल है, जो मेन है मार्केट विच चीज़ नहीं मिलती हैगी, बहुत वधिया। हाँ जी, इस तरह से देखते हैं एग्जीबिशन दे विच हर एक मतलब अलग अलग तुहानू वैरायटी देखने मिलती है, जिदा जयपुर सूट्स हो गए या फिर कश्मीर की कोई इदां दी अलग चीज़ आती है, तुहानू इत्थे अलग की पसंद है? कश्मीरी फैब्रिक बहुत अच्छा, प्योर दे है, तो मतलब बहुत रीजनेबल है, जो मेन है बहुत वधिया। कोविड के टाइम जो एग्जीबिशन नहीं लगती थी असं अपने घर रेंदे मिस करते इस चीज़ में बहुत ज़्यादा। किस नाल आंदे हो हमेशा? अपने फ्रेंड्स नाल आंदे हो? मेरे भाभी है। हाँ जी, थोड़ा तो ये आप तैयार करते हो या फिर किस तरह का समान है? क्राफ्ट का मेरा है, डेकोर का, लैम्प्स का भी है। हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग है लैम्प्स का। हाँ जी, ਸੀ ਖੁਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਦਾ? ਗੁੱਡ। ਕੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਸਭੀ ਆਈਟਮਸ ਪਸੰਦ ਕੀਆ, ਲੈਂਪਸ ਵੀ ਇਹ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੈਂ 30 ਮਿੰਟਸ, 1 ਆਵਰ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਲ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਅਸਲ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ, ਮੈਂ ਤਾਰਕ ਸਿੰਘ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਮਤਲਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 300-300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਸਦ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੈਮ ਸ਼ੂਟਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕੇ ਨਾਵਲ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਸਿਰਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਹਿਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 10-15 ਲੱਖ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪੱਕੇ ਕਸਟਮਰ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ 20-25-50 ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ।
जिस तरह असं देखते हाँ कि किताबा एक समाज को नवी दिख दिंदियां ने उत्थे ही इन्हां वल्लों एक बहुत वधिया उपराला किया जा रहा है जिहड़ी महंगी किताब नूं इह बहुत ही सस्ते रेटा ते वेच रहे ने लोग अपने इतिहास नाल अवेयर हो सकन अपने इतिहास नाल जुड़ सकन। किस तरह की वैरायटी जिहड़ी है तुसीं एग्जीबिशन दे विच लैके आए हो? हैंडीक्राफ्ट बुनकर हाथ से बनाते हैं शिवकालीन, जैसे हो गया डोरमेट, हो गया पौधान, हो गया कारपेट वगैरह, सब हाथ से बनाते हैं। सारे तुम हाथ ना बनाते हो, एक जरा तितली वाला है, इन कितनी देर लग जाती है बनाने? ये मतलब डेढ़ दिन दो दिन के अंदर अंदर तैयार हो जाती है। कितने कारीगर लगते हैं एक प्रोडक्ट में तैयार करें? एक प्रोडक्ट में एक आदमी लगते हैं, जैसे बहुत सारे हमारे लोग खड्डी आता है, खड्डी बनावट होता है ये सब पीस। हाँ जी, जिस तरह से देखा कि कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना तो बाद जो है इनकम बंद हो चुकी थी उस वेले, तो उदो किस तरह मैनेज किया? वो कर लेते हैं ना, हम लोग घर पर बनाते हैं ना, तो घर पे खड्डी लगा के घर पे एडजस्ट करते हैं। हाँ जी, इस तरह उस वेले आप देख रहे थे कि सानू लेबर की भी घाट हो गई थी उस वेले, जो सानू उस बाद खुलिया तो सानू बहुत सारे लोग जड़े ने कस्टमर्स आ रहे थे, पर सर को लेबर उन्नी नहीं सी, थानू भी इस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ा? हाँ जी, वो तो हम लोग 6-7 महीने से बैठे थे, वही घर पर ये सब काम कर रहे थे, अपना बना के बेचते हैं। तो इस एग्जीबिशन में तुमने देखा कि जलंधर के लोगों वालों एग्जीबिशन बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है, उन्होंने बहुत ज़्यादा उत्साह है एग्जीबिशन में लैके, तो दुकानदार जड़े ने उन्होंने कहना है कि उन्होंने एग्जीबिशन में पंजाबियों का रिस्पोंस बहुत वधिया लग्या। असं फिर तो हाजिर होवांगे होर प्रोग्रामा के नाल, तद तक लिए देखते रहो पंजाब मिल यूएसए टीवी चैनल। मैं अंशु चड्डा, कैमरामैन अभित नाथ।